बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं साबत मसर का पुलाव, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं ये किस तरह बनाया जाता है। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल लिया, ऑयल गर्म है हमारा। प्याज इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से आराम से। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। ऑयल था जो वो था 1 कप चाय का, और प्याज इसमें हमने शामिल किया 1 बड़े साइज का। और अब ये 2 चम्मच जाएगी अदरक का पेस्ट। दो गिलास हमारे पास चावल हैं, और 1 पाव इनमें जाएंगे साबत मसर। 2 मीडियम साइज के टमाटर, 4 इसमें जाएंगी सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई। इसमें जाएगा 2 छोटे चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 चम्मच ही हल्दी है, और रेड मिर्च है जो वो 1.5 चम्मच। ये आप हसबे ज़ायका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पानी जाएगा। एक पाव हमने मसर लिए थे, तो इनको 1.5 घंटा हमने भिगोया। तो जब इनको भिगोया था तब ये थोड़े लग रहे थे, अब ये फूल गए हैं भिगोने के बाद। तो अब देखिए माशाल्लाह से पूरा प्याला भर गया, और अब ये हम शामिल कर देंगे कढ़ाई के अंदर। मसरों को थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, दो गिलास चावल थे और 3.5 गिलास हमने पानी शामिल किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली दफा हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। पानी उबल गया, अब हम चावल शामिल करेंगे। पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया, एक दफा हिला देंगे।
और अब आग को हल्का कर देंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, अब लगा देंगे दम। आग बिल्कुल बंद कर दिया। आठ से नौ मिनट हो चुके हैं, अब कर लेते हैं चेक। माशाल्लाह, ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ही जबरदस्त पुलाव हमारा तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तैयार हुआ है ये पुलाव हमारा। चावल खा लो। माशाल्लाह से बड़े ही मजेदार ये चावल हमारे बने थे। पुलाव साबत मसर का पुलाव बहुत ही कमाल का बना है। ये देखें अनाया ने भी कितना खाया, काफी मजे से खा रही है। अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला आप पर आपके वालदैन का साया हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।